देख रहे हैं दोस्तों, आज देसी शव लिटिल किचन में मैंने बनाई है ये झटपट बनने वाली ये रुमाली रोटी, और वो भी आटे से और वो भी तवे पर। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक और थोड़ी सी मेहनत, और ये देखिए फर्स्ट क्लास मेरी रुमाली रोटी एकदम बनकर तैयार। और ये देखिए एक एक रोटी कितनी ही नरम और कितनी ही पतली बनी है, ये देखिए। तो बस आज इसको मैंने कैसे बनाया है, यही सारी रेसिपी और यही सारी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, ये मेरी तवे वाली घर की रुमाली रोटी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं शेफ राजेश फ्रॉम देसी शव लिटिल किचन से। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ घर पर ही बनने वाली, वो भी तवे पर, ये रुमाली रोटी, वो भी एक ट्रिक के साथ में। तो इसके लिए नेचुरली आटा लिया है मैंने, और ये आटे से ही बनाने जा रहा हूँ, इसमें कोई मैदा वगैरह नहीं मिला हुआ। तो ये मैंने 10 लोइयाँ ली हैं, इनको मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया है क्योंकि तवे के हिसाब से जब मैं फैलाऊँगा तो मेरे को उसके हिसाब से तवे का साइज़ भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी लोइयाँ नहीं ली हैं, और इन सबको मैं झटपट ही आटे से अच्छे से लोई बना के आपसे मिलता हूँ। तो लीजिए ये लोइयाँ बन गई हैं, अब इनको झटपट ही फ्लैट करते हुए मैं इनको किस ट्रिक से बेलूँगा वही मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो इनको झटपट फ्लैट करके मैं इनको थोड़ा थोड़ा चकली बना लेता हूँ। तो लीजिए ये मेरी चकलियाँ भी बन गई हैं, और अब इनको हम बारी बारी से फटाफट बेल के यानी रोल कर लेंगे। और रोल कैसे करना है यही एक ट्रिक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसको रोल करना। अब ये एक एक करके हम थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत है, बाज़ार वाला सीन तो है नहीं कि इतने एक्सपर्ट हैं। तो अब इसको ये देखिए, बस इसमें ध्यान रखना है कि जो जो प्लेथन है हमारा ये अच्छे से लगाना है, ताकि रोटी जो है ना फटाफट घूम घूम के अपने आप ही गोल होते हुए बेल जाए। ये देखिए घूम रही है ना अपने आप, इसी तरह हम सारी रोटियों को बेल लेंगे, ये देखिए। परंतु मैं अब इसी में आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। अब ये रोटी के ऊपर में हम लगा देंगे ये थोड़ा सा ऑयल, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर आटे से डस्ट कर लेंगे, ठीक है ना जी। और अब ये दूसरी रोटी इसी के ऊपर रख देंगे और उसको कोनों कोने तक फैला देंगे, और अब एक बार इसको और पतला करेंगे जितना कि हमारे तवे का साइज़ है। तो बस ये देखिए एक बार और अच्छे से बेल लेंगे जितना हम इसको फैला सकते हैं। और इस बार जब आप बेलेंगे तो आप इसको बहुत ज़ोर से प्रेस ना कीजिएगा, और उलट पलट के कीजिएगा ताकि रोटी के जो किनारे हैं ना आपस में एक दूसरे के साथ में एक सार रहें, यानी अलग अलग ना हो। ये देखें, और ये लगभग मेरे तवे के साइज़ की ये रोटी बेल गई। और अब इसको सेकने के लिए हमको आँच का और इसके चलाने का तरीका बहुत ध्यान से हमने करना है। तो बस अब चलते हैं गैस की तरफ बाकी सब रोटियों को भी बेल के। जो दोस्तों तवे के हिसाब से मैंने रोटियां बेल ली हैं, अब चलते हैं अपने तवे यानी गैस की तरफ। और गैस जो है ना आपने मीडियम पे रखनी है, हाई नहीं रखनी है, क्योंकि नहीं तो रोटी जो है ना सूख जाएगी। और ये गई मेरी रोटी, अब फटाफट इसको हम पलट देंगे, और बहुत तेज आँच मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो रोटी जो है ना सूख जाएगी। और रुमाली रोटी वाले तो बहुत तेज तवे पे बनाते हैं, वो तो एक्सपर्ट हैं, तो उनका तो झटपट इधर डाला उधर निकाला, इधर डाला उधर निकाला, यही फटाफट वो अपना गड़बड़ झाला करते रहते हैं। तो ये देखिए, और दोस्तों जैसे ये थोड़े से फूल इस पे खिले, हमने इसको इसके तवे पे से हटा लेना है, और इसको झटपट ही कपड़े में डाल के इसको डब्बे में बंद कर देना है ताकि हवा से ये सूखे नहीं। और ये मेरी रोटी तैयार, और आप इसको खोल के देखते हैं, और जब तक हम उसको खोल के देखते हैं अगली रोटी इस पर डाल के चलते हैं ताकि टाइम भी ना लगे। और ये मेरी रोटी ये देखिए कैसे खुल गई ना फर्स्ट क्लास, और इनको झटपट इकट्ठा करके इनको फोल्ड कीजिए और इसको रोटी के डब्बे में ट्रांसफ़र कर दीजिए और अगली पे शुरू करते हैं। और ये मेरी अगली रोटी भी तैयार, बिल्कुल रुमाली रोटी की तरह, एक बार शुरू हो जाए फिर तो रुकने का नाम ही नहीं है ना जी।
तो बस झटपट ये सारी रोटियां ऐसे बना के झटपट ही डब्बे में ट्रांसफ़र कर देनी है ताकि ये सूखे ना। बस फूल खिले नहीं रोटी पे कि रोटी हमारी तैयार। धोखा मत खाइएगा। और ये गई अगली। और इसी तरह सारी रुमाली रोटियां देखिए, देखते देखते ही तवे पे बन गई। ना उल्टा तवे का उल्टा परांठा चाहिए, ना उल्टा तवा चाहिए, ना हमारे को कढ़ाई उल्टी करनी पड़ी। और ये मेरी रुमाली रोटी फर्स्ट क्लास तैयार। और जो अंदर हमने तेल लगाया था, आप घी भी लगा सकते हैं, उससे ये रोटी नरम भी रहेगी। और बस बार बार कह रहा हूँ, धोखा मत खाइएगा, नहीं तो ये नरम की जगह कड़क हो जाएगी। ये देखिए, और आप बेफिक्र रहिए, कच्ची नहीं रहेंगी कहीं से भी। ये देखिए कैसे एयर पॉकेट्स बनना शुरू हो गया ना। और ये एक बार और दोनों तरफ जैसे फूल खिलें आप इसको उतार दीजिए। ये देखिए कैसे फूल फूल के आ रही है ना, यानी कि पॉकेट अच्छे से बन गई है। ऊपर वही चीज़, धोखा नहीं खाना। और ये देखिए इस तरफ से हो गई है, अब हमने सिर्फ दूसरी तरफ से पकाना है, क्योंकि हमको ऐसे भी फूल ही तो चाहिए नहीं है। और ये फूल रही है तो इसके धोखे में मत आइएगा। ये देखिए, और बस ये रोटी तैयार। और बस देखते देखते ये मेरी तवे पर रुमाली रोटियां बनके एकदम तैयार। और अब बाजार जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पर ही जब दिल करे तब ये रुमाली रोटियां आप अच्छे से बनाइए और खाइए और खिलाइए। तो लीजिए दोस्तों, ये मेरी घर पर ही तवे पर एकदम झटपट आटे से, वो भी मैदे से नहीं, आटे से मेरी रुमाली रोटियां एकदम तैयार। तो बस आपका भी जब दिल करे आप भी झटपट रुमाली रोटी घर पर बनाइए और घर पर और मेहमानों से नेचुरली तारीफ़ के पुल बंधवाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल नई टिप, नई ट्रिक, नई रेसिपी के साथ में। तब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड बेल आइकॉन फॉर माई वीडियोज नोटिफिकेशन। तो बस ऐसे ही खाते रहिए, खिलाते रहिए, पकाते रहिए, बनाते रहिए, बचाते भी रहिए और पैसे भी बचाते रहिए, और खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।